दशहरे के इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार मानते हैं। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयादशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे हर एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सकें। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार भी है। जश्न की सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है, तो पुराने वक्त में इसी दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। दशहरा यह अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजय पर्व के रूप में दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वह महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विश्वरवा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया था, और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसी विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयादशमी मनाई जाती है। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है। कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम रावण के इस युद्ध को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई जगहों पर इस दिन मेला भी लगता है। उन्हीं आयोजनों में नाट्य नाटिका का प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है। इस दिन घरों में लोग अपने वाहनों को साफ करके उसका पूजन करते हैं। व्यापारी अपने लेखा का पूजन करते हैं। किसान अपने जानवरों एवं अपनी फसलों का पूजन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।